वेलकम ऑल, आप सभी डियर स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की ये क्लास है। नाउ हम पढ़ रहे हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क। अब ये जो टॉपिक है, देखिए गेट ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर ट्रेनिंग वर्क। एसएससी जेई में ये सब टॉपिक्स उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपको स्टेट एई एंड जेई एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एसएससी वगैरह में उतना क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आता। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, स्टेट का एई जेई, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, हरियाणा पीएससी, है ना, ये सब, झारखंड, कोई भी स्टेट का दोगे उसमें ये पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो मीन डेरिंग ऑफ रिवर, ठीक है, इसको मैं सीधा बोलता हूँ, मीन डेरिंग ऑफ रिवर, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप फोटो को देखिए, सबसे पहले फोटो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने तस्वीरें लगा रखी हैं। ये सीधा नदी है जो एकदम सीधा फ्लो कर रहा है, दूसरा रिवर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा फ्लो कर रहा है तो ये दो तरह के रिवर्स कर्व बनाते हैं, मतलब एक इस तरह से एक कर्व बन रहा है ऐसा, फिर ये जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे कुछ पार्ट में कनेक्टेड है, फिर एक कर्व ऐसा बन रहा है। तो दो रिवर्स कर्व बन रहा है, जैसे कि ये वाला जो कर्व बन रहा है ये इस तरह से देखो कैसे रोटेट कर रहा है आपका एंटी क्लॉक वाइज। ये वाला जो कर्व है ये कैसे आ रहा है क्लॉक वाइज, है ना, ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉक है। ओके, तो ये जो दो अलग अलग कर्व है ये एक स्ट्रेट लेंथ से कनेक्टेड होगी, एक छोटी सी स्ट्रेट लेंथ। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कर्व होगा, फिर एक स्ट्रेट पाथ होगा, फिर चेंजेस आई होंगे। ये जो स्ट्रेट पाथ होती है इसको हम क्रॉसओवर या फिर क्रॉसिंग कहते हैं, समझ गए बात को। ओके, चलिए अब इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो यही है आपका मिनेंडरिंग ऑफ रिवर। ए मिनेंडरिंग टाइप ऑफ रिवर फ्लोस इन कंसेक्यूटिव कर्व। कंसेक्यूटिव कर्व कहने का मतलब जैसे ये एक कर्व हो गया, फिर ये एक कर्व, कंसेक्यूटिव कर्व, तो ये एक सेक्शन बता रहा हूँ, तो ऐसा होगा, देखिए ऐसा 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 फ्लो करता हुआ आएगा, समझ गए। कंसेक्यूटिव कर्व मतलब एक कर्व खत्म हुआ उसके बाद दूसरा कर्व, एक कर्व खत्म हुआ फिर दूसरा कर्व, समझ गए। ये कंसेक्यूटिव कर्व कहने का क्या मतलब होता है, ऑफ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब ऐसा अगर है तो फिर स्ट्रेट लेंथ, फिर ऐसा, समझ गए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब ऐसा फिर स्ट्रेट फिर ऐसा, फिर स्ट्रेट फिर ऐसा ऐसा। तो दिस इज योर मिनेंडरिंग रिवर, मतलब इधर उधर घूमते घूमते आ रहे हो, टहलते टहलते रिवर आपका फ्लो करता करता आ रहा है। कनेक्टेड विथ शॉर्ट स्ट्रेट, शॉर्ट स्ट्रेट कॉल्ड एज क्रॉसिंग या क्रॉसओवर। जैसे कि मैंने बोला आपको, ये स्ट्रेट पाथ ऐसे आ रही है, फिर ये स्ट्रेट पाथ ऐसे, फिर ऐसे, समझ गए। तो यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा इनलार्ज करके दिखा दिया, लेकिन बीच में एक शॉर्ट स्ट्रेट होगा। जैसे आप एसएफडी बीएमडी में नहीं देखते हैं कन्वेक्स टू कनकेव में चेंज होता है, ओके, उसी तरह का कुछ यहाँ पे हो रहा है। ओके, और वो जो शॉर्ट स्ट्रेट होती है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से अगर ये डायग्राम में आपको दिखाऊँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसा आया, फिर यहाँ से देखिए एक स्ट्रेट पाथ है सीधा, है ना, ये वाला स्ट्रेच। जस्ट ए मिनट, अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लीजिए समझ लीजिए, बार बार नहीं आएंगे। ये स्ट्रेट पाथ है, फिर यहाँ से देखिए अलग कर्व एक चालू हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्रॉसओवर या फिर क्रॉसिंग कहेंगे, समझे। तो आप डायग्राम भी इसी तरह से बनाइए, डायग्राम बनाना भी जरूरी है। नेक्स्ट, द मिनेंडरिंग एक्शन, ये जो इस तरह से रिवर मुड़ जाती है ऐसा, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम लेंथ ऑफ द स्ट्रीम या फिर रिवर, इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है। कैसे, सोचो ना, मतलब ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, अभी इसके बीच में सीधा ऐसे फ्लो हो जाएगा तो लेंथ शॉर्ट, लेकिन अभी ऐसे 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 घूम के आएगा तो कौन सा लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा। मीन डेरिंग जब होगा तब लेंथ ज़्यादा हो गया, समझ गया बात को, है ना। एंड टेंड्स टू रिड्यूस दिस स्लोप, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है टेंड्स टू रिड्यूस दिस स्लोप, ये एक्चुअली क्यों होती है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, स्लोप कैसे रिड्यूस हो गया। लेंथ तो इंक्रीज हुआ ये तो उनको समझ में आया, स्लोप कैसे रिड्यूस हो गया, सोचो। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ये मिनेंडरिंग ऑफ रिवर क्यों होती है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, सुनना समझना, कहानी सुनना, रिसर्च करने के लिए आए।
इनमें से एक वैज्ञानिक बहुत पॉपुलर हो गया जिसका नाम था इंगस। तो मिनेंडरिंग ऑफ रिवर से रिलेटेड कोई थ्योरी किन्होंने दिया है, नाम आपसे पूछेंगे तो आपको बतानी है इंगस थ्योरी। दिस थ्योरी इज कम्प्लीटली वैलिड एंड कम्प्लीटली एक्सेप्टेड फॉर डिस्क्राइबिंग द मिनेंडरिंग ऑफ रिवर, इंगस थ्योरी। तो इंगस थ्योरी में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, अभी अभी देखेंगे इंगस थ्योरी। उन्होंने काउज बताया हुआ है कि एक्चुअली ये होती क्यों है। एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग वगैरह बहुत तरह का ऑब्जर्वेशंस वगैरह लेने के बाद एक्सपेरिमेंटली उन्होंने मिनेंडरिंग क्यों होती है रिवर्स के अंदर, इसका काउज उन्होंने बताया। तो वो काउज में एक बेसिक काउज उनका ये था कि जो सिल्ट ये कैरी करता है वाटर्स, है ना, तो ये सिल्ट को जब पानी तेजी से बहाव कर रही होती है, सिल्ट को कहीं ना कहीं कभी कभी पानी क्या करता है, नदी का पानी बैंक्स के आसपास डिपॉजिट कर देता है ना, बेड पे डिपॉजिट कर देता है। सिल्ट का डिपोजिशन होता है बेसिकली, इन्होंने इस पॉइंट पे हिंट अप किया। तो सिल्ट का डिपोजिशन होगा, तो सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिल्ट डिपोजिशन का बात कर रहा हूँ। तो देखो, ऐसा कोई मान लो नेचुरल रिवर का बेड है, अभी सिल्ट का डिपोजिशन हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा ऐसा डिपोजिशन हो गया, तो क्या ये बेड स्लोप को रिड्यूस नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली, अभी पहले कुछ स्टीपर थी, अभी कुछ हल्का ऐसे ऊपर ऊपर चल रहा है, तो अभी ये वाला जो स्लोप है ऊपर वाले का, ये नीचे वाले से कम है ऑब्वियसली, ओके। तो ये अंदर की बात है, आप ऐसे समझ के चलो। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना कि लेंथ तो इंक्रीज करता ही करता है और ये स्लोप को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, बेड स्लोप को रिड्यूस कर देता है। फिर बैंक का, बैंक जो बैंक होती है रिवर बैंक, यहाँ पे तो मैं अच्छे से बना रहा हूँ लेकिन ऐसा तो डिफाइंड रिवर बैंक नहीं होती, रिवर बैंक नॉर्मली ऐसे ऐसे होती है, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हल्का सा, तो रिवर बैंक का स्लोप को भी ये रिड्यूस कर देता है क्योंकि वहाँ पर भी डिपोजिशन हो जाती है मटेरियल की, ओके। चलिए अब देखते हैं इंगस थ्योरी को, देखते हैं, बहुत हो गया। तो ये लिखिए, ये पूरा कहानी लिखिए, ये डेफिनेशन दीजिए मिनेंडरिंग का लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाइए, इसमें लिखिए स्ट्रेट रिवर, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आएगी आगे चल के, हम देखेंगे एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो। क्या देखेंगे? एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, यहीं पे समझ लो। इसी स्ट्रेट रिवर के केस में देखो, अगर ये इस स्ट्रेट रिवर के एकदम बीचों बीच अगर मैं एक एक्सियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रिवर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो कहने का मतलब है ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये सेंटर लाइन हो गया एक तरह से, तो इस सेंटर लाइन के लेफ्ट में देखो चाहे राइट में देखो, जो फ्लो वगैरह होगी ना, फ्लो की वेलोसिटी वगैरह सब कुछ यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी, मतलब दोनों बगल एकदम सेम टाइप का फ्लो हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे सेंटर के इधर जितना वेलोसिटी होगी इधर भी उतना वेलोसिटी होगी, है ना, सेंटर के लेफ्ट में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा होगा इधर भी उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा होगा, मतलब सब कुछ सेम, इसको हम कहते हैं एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो, ठीक है। लेकिन मिनेंडरिंग के केस में एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो नहीं होती। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लो ऐसे आ रही है, मतलब दिस इज योर सेंटर लाइन ऑफ फ्लो, आप ये समझ के चलो, ये जो लाइन मेन लाइन दिखा रहे हैं हम, इट इज योर सेंटर लाइन ऑफ फ्लो। तो ये सेंटर, इस सेक्शन पे देखो, इस सेक्शन पे सेंटर लाइन ये यहाँ पे है, समझना बात को, बस ऑब्जर्वेशन लीजिए, सेंटर लाइन यहाँ पे, इस सेक्शन पे देखो, इधर कोई फ्लो है नहीं, इस तरफ पूरा फ्लो है ना, फिर यहाँ पे देख लो, ये सेंटर लाइन वाला पॉइंट, इसके इस तरफ पूरा फ्लो है लेकिन इधर कोई फ्लो है नहीं। तो इन केस ऑफ मिनेंडरिंग, इंगस ने ये चीज़ बोला है, ठीक है, कि अब एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो मेंटेन नहीं होगी आपकी, ऑब्वियसली नहीं होगी, यहाँ से देखने के बाद ही पता चल रहा है हमको, डायग्राम को देखते ही क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब जिस थ्योरी का बात कर रहे हैं हम तभी से, इंगस थ्योरी, उस चीज़ को देख लेते हैं। व्हाट इज इंगस थ्योरी? इंगस ने बताया है काउजेस ऑफ मिनेंडरिंग, कि मिनेंडरिंग एक्चुअली होती क्यों, बस रीड करना है, रीड करने से ही समझ में आ जाएगा। देखिए काउजेस, पहला पॉइंट लिखनी है आपको, सब लिखनी है, पहला दूसरा तीन पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है, मैं रीड करता हूँ, रीड करते करते समझाते चलता हूँ। पहला पॉइंट पढ़ो, व्हेन देयर इज हैवी लोड ऑफ बेड मटेरियल इन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लड, जब रिवर वगैरह में बाढ़ वगैरह आई तो उस समय बेड मटेरियल, मतलब बाढ़ वगैरह आ रही है तो सोचो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, इमेजिन करना, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है और सेडिमेंट वगैरह जो बेड के आसपास है ना,
वो भी मूवमेंट में आ जाएंगी, क्योंकि डिस्चार्ज वगैरह ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा सेडिमेंट वगैरह भी पानी मतलब रिवर में फ्लो होना चालू हो जाएगा। और ऐसे केसेस में देखो, आपका ऐसा तो नहीं है कि रिवर का जो बेड एकदम यूनिफॉर्म एकदम डिज़ाइन स्लोप है, वो तो हम कैनाल वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो नेचुरल ड्रेनेज है उसकी तो ऐसे उबड़ खाबड़ रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से अनइवन बेड होने के कारण और हाई डिस्चार्ज वो कैरी कर रहा है, उसमें सेडिमेंट का भी मूवमेंट हो रही है, तो टर्बुलेंट काफ़ी टर्बुलेंस काफ़ी जनरेट होता है, समझ गया। ये काफ़ी वहाँ पे टर्बुलेंस जनरेट होता है ड्यू टू अनइवननेस ऑफ बेड एंड बैंक्स, यहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ओके फिर से पढ़ता हूँ। व्हेन देयर इज हैवी लोड ऑफ बेड मटेरियल इन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स कॉमा एक्सेस टर्बुलेंट एनर्जी इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइवननेस ऑफ बेड एंड बैंक। ये जो एक्सेस टर्बुलेंट एनर्जी है, इसी के कारण मिनेंड्रिंग होती है। अब ये कैसे होती है देखिए, तो ये जब इस तरह का कंडीशन होगा, जब एक्सेस टर्बुलेंट एनर्जी डेवलप होगा, तो ऐसे सच कंडीशन, सेकेंड पॉइंट, इन सच ए कंडीशन इट इज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया कि सिमेट्रिकल एक्सियल फ्लो इज नॉट मेंटेन्ड। मतलब जो बोला मैंने, ये एकदम नदी का स्ट्रेट पाथ है, ये सेंटर लाइन ले लो, है ना, ये सेंटर लाइन ले लो, इसके लेफ्ट में जैसे फ्लो है उसके राइट में भी ऐसे फ्लो है, सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह कैरी कर रहा है, तो ये सब चीज़ अब मेंटेन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अंडर सच केसेस ड्यू टू हाई टर्बुलेंस, ओके, विच इज़ ड्यू टू अनइवननेस ऑफ बेड एंड बैंक, फ्लो किसी एक बैंक के तरफ कंसनट्रेट हो जाता है, फ्लो किसी एक बैंक के तरफ कंसनट्रेट हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो है, इस फोटो में अब ऑब्जर्वेशन लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो आपका बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे इस तरफ ऐसे कंसंट्रेट हो गया, मतलब ये सारे एरियाज में फ्लो आपके कंसंट्रेट हो गए। मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एक बैंक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ये एक बैंक है ना, तो मेरे को बताओ ये कौन सा है? ये सेंटर लाइन का ये वाला लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला पार्ट है, ठीक है, मेरे नज़र से तो राइट बैंक के करीब करीब पानी कम बह रहा होगा, लेकिन लेफ्ट बैंक के करीब करीब यहाँ पे अधिक पानी होगी। राइट बैंक के करीब करीब यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह भी आपको फ्लो का कम देखने को मिलेगा, समझ गए बात को। तो ये सारे वो क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द टर्बुलेंस। अब वो टर्बुलेंस क्यों डेवलप हो रहा है? जब क्योंकि वो एक्सेस डिस्चार्ज कैरी कर रहा है, बेड लोड भी है, उसकी भी मूवमेंट चालू हो गई है, और आपका बेड जो है वो अनइवन है और बैंक भी अनइवन है, इस कारण से टर्बुलेंस डेवलप हो रहा है, जिस कारण से फ्लो जो है किसी एक बैंक की ओर कंसंट्रेट हो जाता है, समझ गए। ये काउजेस बता रहा है, ये काउजेस बता रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद इन्होंने ये बताया, और इनका जो ये थ्योरी है, इसी थ्योरी को हम वैलिड मानते हैं, दिस थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। ऐसे बहुत सारे थ्योरी दिए गए, लेकिन हमें बस यही पढ़नी है। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो, ये जो फ्लो का कंसंट्रेशन हो जाता है किसी एक बैंक की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो फर्दर इरोजन टेक्स प्लेस, है ना, मतलब किसी एक बैंक की तरफ से ज़्यादा तेजी से पानी निकलेगा तो बैंक को तो इरोड कर देगा ना, अब वो परमानेंट कोर्स बन जाएगी उस फ्लो की, एंड फाइनली गिविंग द मिनेंडरिंग शेप टू द रिवर, समझ गए बात को। और धीरे धीरे, ये मतलब सडन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, धीरे 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 होता है। तो इंगस ने क्या बोला, मैं समराइज करता हूँ, जो काउजेस है मिनेंडरिंग के, लॉजिकली सोचिए, इंगस ने ये बोला कि जब बेड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है आपका रिवर के अंदर, और ऐसे कंडीशंस में फ्लड भी आ रही है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, आपका बेड स्लोप भी अनइवन है, ओके, और रिवर का बैंक वगैरह भी अनइवन होता है जनरली, नेचुरल जो ड्रेनेज होती है, तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट एनर्जी डेवलप होता है, और इस टर्बुलेंट एनर्जी के कारण, इस एनर्जी के कारण आपकी जो फ्लो है रिवर के अंदर, ये किसी एक बैंक के किनारे ही कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है, कभी हो सकता है लेफ्ट बैंक के किनारे हो गया कंसंट्रेशन, कभी राइट बैंक के किनारे, है ना, कभी मतलब ऐसे हो गया, ऐसे कभी ऐसे फ्लो कंसंट्रेट हो गई, फिर कभी ऐसे हो गई, तो फ्लो कंसंट्रेशन होने का क्या मतलब, इधर से तेज़ी से पानी निकल रहा है, फिर इधर से तेज़ी से पानी निकल रहा है, फिर और ये सब इलाके में मतलब कम पानी होगा, है ना, और वेलोसिटी वगैरह भी कम होगी, तो किसी एक बैंक के किनारे किनारे फ्लो
मतलब ये हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है और एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो ऐसे कंडीशंस में मेंटेन नहीं हो पाती, है ना, कि एकदम रिवर है ऐसा और इसके बीच ये सेंटर है तो इसके लेफ्ट में जितना उसके राइट में उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वगैरह कैरी कर रहा है, सेम वेलोसिटी वगैरह है, ये सब चीज़ मेंटेन नहीं हो पाता। और यही सब रीज़न है कि ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो किसी एक बैंक की हो तो बैंक का भी फर्दर इरोजन होना चालू हो जाता है और धीरे 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 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो एक मिनेंडरिंग शेप ले लेता है आपका रिवर ओवरऑल। तो इंगस ने इतना ऑब्जर्वेशन लिया और इसके बारे में बताया। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये इंगस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कुछ कुछ उन्होंने कैलकुलेशन पर्पस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिटेल्स दिए हैं। नीचे जो लिखा हुआ चीज़ है फॉर फ्लड प्लेन फॉर इनसाइज रिवर इनको अभी नहीं देखेंगे, इनको अभी नहीं देखेंगे, हम पहले इस डायग्राम को समझते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये पहले ऊपर वाला आप डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम में देखिए क्या है कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इसको समझिए। एक पैरामीटर है मिनेंडरिंग लेंथ, समझ गए, एक पैरामीटर है मिनेंडरिंग लेंथ, एक पैरामीटर है मिनेंडरिंग विड्थ और एक पैरामीटर है रिवर विड्थ। तीन पैरामीटर यहाँ पे दिखाया गया है। रिवर विड्थ मतलब रिवर का चौड़ाई, सिंपल सी बात है, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। मिनेंडरिंग लेंथ मतलब देखो यहाँ से अलग से बनाता हूँ समझ जाओगे, ऐसा जहाँ से ये कर्व वगैरह शुरू हुआ तो यहाँ पे एक सेक्शन मैंने ले लिया, यहाँ से ये कर्व शुरू हुआ मान लेता हूँ, फिर ये ऐसे यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये एक सेक्शन ले लिया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको कहा गया मिनेंडरिंग लेंथ ML, और मिनेंडरिंग विड्थ क्या कहा गया, किसको कहा गया, देखो मिनेंडरिंग विड्थ किसको कहा गया, इस तरह से अब बनाता हूँ मैं ऐसा ऐसा। तो देखो मिनेंडरिंग विड्थ मतलब ये एकदम मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे है, मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, फिर यहाँ पे ये जो चौड़ाई है टोटल ओवरऑल, ओके, इसी को हम कहते हैं मिनेंडरिंग विड्थ, दिस इज योर मिनेंडरिंग विड्थ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ से ये ले लिया गया, यहाँ से फिर ये ले लिया गया, दिस इज योर मिनेंडरिंग विड्थ, रिवर विड्थ, मिनेंडरिंग विड्थ, मिनेंडरिंग लेंथ, तीन आइटम आपको समझ में आया। अब देखिए इन तीन आइटम का कैलकुलेशन बोला गया है। यहाँ पे रिवर में जो डिस्चार्ज ये कैरी कर रहा है इसको मैं कहता हूँ क्यू, और इस ये इम्पेरिकल इक्वेशन है और इसकी जो मेजरमेंट होती है ये होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड के फॉर्म में, ठीक है। फिर ML, MB एंड विड्थ ऑफ द रिवर, इसकी जो मेजरमेंट ली गई वो ली गई मीटर के फॉर्म में। इसी यूनिट में आपको इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने होंगे तभी जाके रिजल्ट निकलेंगे। अगर आपसे पूछते हैं रिजल्ट किसके बारे में, MB के बारे में, ML के बारे में, W के बारे में। सिमिलरली फॉर इनसाइज्ड रिवर, दो रिवर्स हैं यहाँ पे, फॉर रिवर्स इन फ्लड प्लेन्स, फॉर इनसाइज्ड रिवर, दो अलग अलग टाइप का रिवर है। अब ये क्या है पहले इसको समझो आप, उसके बाद ये समझ में आएगा। पहले मैं बात करता हूँ फॉर रिवर्स इन फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन जैसा नेम सजेस्ट करता है, आप सोचिए मतलब कोई ऐसे एरिया में वो रिवर फ्लो कर रही है जहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है। तो ये मान लीजिए ये रिवर का क्रॉस सेक्शन मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे एरिया में जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है। तो रिवर्स इन फ्लड प्लेन में क्या होता है ना, ये मान लो ये रिवर है लेकिन जब इसमें फ्लो होती है तो ये बहुत सारा एरिया कैरी करता है, ये इसका वाटर लेवल इस तरह से मेंटेन रहता है, मतलब पूरा का पूरा रिवर पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और उसके ऊपर से पूरा पानी बह रही होती है, मतलब द कंप्लीट रिवर इज एंटायरली सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, ऐसा कह लो भाई, समझ गए, मतलब रिवर के बैंक वगैरह में ऊपर उसके बैंक के ऊपर से पानी बह रही होती है। तो दिस काइंड ऑफ रिवर इज रिवर इन फ्लड प्लेन। दूसरा फॉर इनसाइज्ड रिवर, इनसाइज्ड रिवर ऐसा रिवर होता है वो काफ़ी गहरा होता है, इसको डीप रिवर भी कह सकते हैं, ये काफ़ी गहरी होती है, ये मतलब ऐसे बना रहा हूँ लेकिन आपके समझने के लिए, इसमें कितना भी पानी आ जाए वो आपका रिवर के क्रॉस सेक्शन के अंदर ही फ्लो करेगा, ये डीप रिवर्स होती है, गहरा रिवर है ना, इसको हम कहते हैं इनसाइज्ड रिवर एंड दिस इज योर रिवर इन फ्लड प्लेन। इसके इसका डेफिनेशन भी आगे चल के हमने लिखवाया है। ओके आप ये डायग्राम दो ध्यान में रखना, पहला डायग्राम ये दूसरा डायग्राम, ये किसका है, रिवर इन फ्लड प्लेन का और दिस इज योर इनसाइज रिवर, मतलब डीप फ्लो होती है उसमें, डीप होता है मतलब बैंक के ऊपर, मतलब बैंक्स के ऊपर यहाँ पे पानी फ्लो नहीं करेगा, है ना, रिवर के क्रॉस सेक्शन के अंदर ही पानी फ्लो कर रही होगी,
तो समझिए, तो आप ये समझ गए इनसाइज रिवर एंड रिवर्स इन फ्लड प्लेन्स। अब इनके लिए इन्होंने मेजरमेंट दिया है किसके किसके बारे में, एमबी के बारे में, एमएल के बारे में, डब्ल्यू के बारे में। ये सारे इंपेरिकल इक्वेशंस हैं, जैसा उन्होंने दिया है हम वैसा ही याद कर लेंगे। तो इसको नोट बना के ये डायग्राम बना लो पहले ऊपर वाला, फिर इसको नोट बना के ये लिख लीजिए। देखिए ये सब छोटा मोटा एग्जाम में डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को पूछ लेंगे, विड्थ बताओ, एमएल बताओ, एमबी बताओ, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में बस नहीं जानने के कारण हो सकता है क्वेश्चन आप मिस करके आ जाओ, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ओके तो इसको ध्यान में रखिएगा, एम बी का वैल्यू 153.42 रूट अंडर क्यू, एम एल का वैल्यू 53.61। अब मैं पढ़ के क्या बोलूँ, लिख लूँ। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिवर इन फ्लड प्लेन का मतलब क्या है, समर्ज ए लार्ज एरिया ऑन आइडर साइड ड्यूरिंग फ्लड। मतलब ये रिवर है ऐसा, तो इसके जो फ्लो होगी बहुत सारा एरिया, मतलब बाढ़ जब आएगी, रिवर मतलब समझो जब बाढ़ आ रही होगी तो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर रिवर्स इन फ्लड प्लेन। इनसाइज रिवर फ्लो सफिशियंटली बिलो नेचुरल ग्राउंड सरफेस, जैसा कि मैंने आपको बोला उस मतलब ये रिवर्स काफ़ी गहरे होते हैं, इसका मतलब यही है, सिंपल सी यही बात है। दिस इज योर ग्राउंड लेवल, और इसमें जो फ्लो हो रही होगी वाटर की जो लेवल होगी ग्राउंड सरफेस से काफ़ी नीचे रही होगी, ठीक है। ये रिवर्स काफ़ी गहरे होते हैं, दिस इज योर इनसाइज रिवर एंड दिस इज योर रिवर्स इन फ्लड प्लेन्स। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके एक्सपेरिमेंटली इंगर्स ने आपको डेटा दिया। एक रेशियो है मिनेंडर रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ एम बी अपॉन एम एल। एम बी क्या था, एम एल क्या था, देख लो एक बार फिर से। ये रहा एम बी, है ना, मिनेंडरिंग विड्थ, ये रहा मिनेंडरिंग लेंथ। तो इसका जो रेशियो है इसी को हम मिनेंडर रेशियो कहते हैं, एम बी अपॉन एम एल। अब मेरे को बताओ ये मिनेंडर रेशियो एक से अधिक हो सकता है क्या, एक से अधिक मिनेंडर रेशियो हो सकता है? अभी बिल्कुल हो सकता है, कोई ये नहीं है, ये एक से अधिक भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, ठीक है। सोचिए सोचिए अभी कैसे कैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ। मान लो कोई रिवर ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम रही है, ऐसा ऐसा, इसका फिर मिनेंडरिंग, मान लो मिनेंडरिंग लेंथ वगैरह निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ तक ऐसे निकालोगे तो ये होगा एम एल का वैल्यू, और मिनेंडरिंग विड्थ ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ये होगा एम बी का वैल्यू, ये होगा एम एल का वैल्यू। तो हो सकता है वो शॉर्ट लेंथ में बहुत ज़्यादा कर्व ले रही हो, है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है, कोई बात नहीं है। तो इस केसेस में वन से अधिक भी हो सकता है वो रेशियो, वन से कम भी हो सकता है। साइनोसिटी, साइनोसिटी है ना, इसका समझिए, इट इज रेशियो ऑफ थालवेग लेंथ टू वैली लेंथ, रेशियो ऑफ थालवेग लेंथ टू वैली लेंथ। अब इसको कैसे समझाऊं, इसको लिखो, ये सब सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ, पहले साइनोसिटी का मतलब समझाता हूँ। देखो थालवेग लेंथ वगैरह मैंने आपको बता रखा है, ये मान लो कोई रिवर का क्रॉस सेक्शन है, कोई रिवर ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई रिवर ऐसा फ्लो कर रहा है, इसमें ये रिवर का वाटर लेवल है, दिस इज योर रिवर का वाटर लेवल। थालवेग पॉइंट क्या होती है, पॉइंट ऑफ लोएस्ट एलिवेशन इन ए वाटर कोर्स, मैंने आपको बता रखा है ये वाटर कोर्स है, ये रिवर जो है ये वाटर कोर्स है जिसमें फ्लो हो रही है, इसमें पॉइंट ऑफ लोएस्ट एलिवेशन कौन सा लग रहा है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट, सो दिस इज योर योर थालवेग पॉइंट, थालवेग पॉइंट होगा ये, ठीक है। इसी तरह से ये तो इस क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक कोई क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे आप जब इन थालवेग पॉइंट्स को मार्क करेंगे, कहीं कहीं पर यहाँ पे आएगा, कहीं पर ऐसे आएगा, कहीं ऐसे आएगा, कहीं ऐसे आएगा, मतलब अलॉन्ग दी वाटर कोर्स, इमेजिन करते चलो अलॉन्ग दी वाटर कोर्स ये पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, मतलब नदी के अंदर मार्क कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे ऐसा, ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ ऐसा, तो मुझे क्या मिल गया, ये जो लाइन एक मिल गया, इसी को मैं कहूँगा थालवेग लाइन, थालवेग लाइन, है ना, या फिर थालवेग लेंथ, इसी को मैं बोलूँगा। अभी मान लो ये रिवर कोई एक वैली में फ्लो कर रहा है, अब टॉप व्यू इमेजिन करना, ये मान लो ये ऐसा कोई वैली है, ठीक है, इस तरह का कोई वैली है,
इस वैली के अंदर, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है। अभी वैली लेंथ हम जनरली स्ट्रेट लेंथ निकालते हैं, एकदम स्ट्रेट लेंथ। जैसे कि मान लो ये वैली है कोई, तो ये वैली का एकदम लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लेंथ क्या है? ऐसा कुछ ये लेंथ है, दिस इज योर, यहाँ से यहाँ तक इस वैली का ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन लेंथ होगा, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन लेंथ। क्लियर है? तो इसी को हम कहेंगे वैली लेंथ, वैली लेंथ। ओके, वैली लेंथ, समझिए बात को। अभी इस वैली में जो आपका रिवर फ्लो हो रहा है वो कुछ ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, इस वैली में इस तरह से रिवर फ्लो कर रही है, समझो बात को, ठीक है? ये आपका रिवर का फ्लो है। अब आपने क्या किया, रिवर के अंदर जो पॉइंट्स हैं लोएस्ट एलिवेशन वाले, ये आपने मार्क आउट किए, ठीक है, इनको आपने मार्क किया। रिवर्स के अंदर जो लोएस्ट एलिवेशन वाले पॉइंट्स थे इनको आपने मार्क किया, फिर आपने इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। देखो बच्चे, हम बहुत देसी टाइप से समझाते हैं। तो ये जो लेंथ आपको निकला, दिस इज योर थाल्वेग लेंथ, ठीक है, दिस इज योर थाल्वेग लेंथ। और आपने वैली लेंथ निकाल दिया, एकदम स्ट्रेट लाइन लेंथ, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन लेंथ ऑफ दैट वैली इज योर वैली लेंथ। ये मैपिंग वगैरह करने के बाद निकालते हैं। ये जो अभी जो ये डायग्राम बनाया, ये मैंने बनाया टॉप व्यू, टॉप व्यू। ये आपको क्रॉस सेक्शन पे थाल्वेग लाइन के बारे में बताया, थाल्वेग लेंथ के बारे में बताया। अब ये दोनों का रेशियो जो होता है, इसी को हम साइनोसिटी कहते हैं, साइनोसिटी या सिटी जो भी बोलो, साइनोसिटी, सिटी बोलो हम, सूटी 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 हमको, मतलब एक होता है ना, मतलब कभी एक बार कोई टीचर बोल दिया तो उसी के अकॉर्डिंग बात करने लगते हैं हम लोग, वही चीज़ हमारे साथ हो गई, है ना। हम पढ़े थे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में ऐसे ही मतलब बात हो जाती है फिर। तो साइनो सिटी, तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ थाल्वेग लेंथ टू वैली लेंथ, समझ गए। अब टॉर्टियो सिटी, ये एक अलग टर्म है, टॉर्टुओ सिटी, ये क्या होती है? पढ़िए, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ, रेशियो ऑफ, जस्ट मिनट, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ अलोंग द कर्व टू द स्ट्रेट लाइन मिनिंडर लेंथ बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। समझिए बात को, व्हाट इज दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये क्या बात कर रहा है, मान लो इस तरह से मिनेंडर हुआ, ठीक है, इस तरह से मिनेंडर हुआ, तो मान लो इसका कोई एक स्ट्रेच हम कंसिडर कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेच मैंने कंसिडर किया, इसका अगर मिनेंडर लेंथ मैं निकालूं, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन लेंथ जो डायग्राम में स्टार्टिंग आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू इंगस दिस इज योर मिनेंडर लेंथ, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एम एल। नाउ ये जो वाटर कोर्स है, अब इसका एक्चुअल लेंथ मतलब अलोंग द कर्व का जो लेंथ है, मतलब ये थाल्वेग पॉइंट्स वाले लेंथ नहीं है, एक्चुअल अलोंग द कर्व जो लेंथ आ रही है, एकदम सेंटर लाइन उसका, ठीक है, लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाई एम ए। इसी दोनों का रेशियो, इसी को मैं कहूँगा टी टॉर्टुओ सी डी, एम ए अपॉन एल एल एम एल, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ अलोंग द कर्व, एक्चुअल लेंथ अलोंग द कर्व, एंड दिस इज द मिनेंडर लेंथ। है कि नहीं, समझ गए, यही रेशियो हो जाएगा टी। पढ़िए एक बार डेफिनेशन को, कहाँ गया डेफिनेशन, देखो, टॉर्टुओसिटी, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ अलोंग द कर्व टू द स्ट्रेट लाइन मिनेंडर लेंथ बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कर्व, मतलब वो जो कर्व है, ये एक कर्व, ये एक कॉन्सिक्यूटिव कर्व, तो ये एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स के बीच में सेंटर लाइन के अलोंग लेंथ, फिर मिनेंडर लेंथ, इन दोनों का रेशियो को हम टॉर्टुओसिटी कहते हैं, समझ गए। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर मिनेंडरिंग ऑफ रिवर,
बस इतना आपको जानना है। सारे एग्जामिनेशंस में इसी के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। नहीं तो ट्राई कर लीजिए, जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं आप एक बार ट्राई कर लो, क्या मेरा एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो छूट जा रहा है। छूटेगा तो मेरे को वो क्वेश्चन आप भेज देना, देख लेंगे, नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, अब जो हमारा आप टॉपिक है वो हम करेंगे, ये हम रिवर ट्रेनिंग कर, अभी तक रिवर ट्रेनिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंदर आता है, ये मिनेंडरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट था जो मैंने बीच में बता दिया रिवर इंजीनियरिंग के अंदर में। आगे हम करेंगे डायवर्सन हेडवर्क वगैरह की कॉन्सेप्ट को हम करेंगे, तो वो सारे वीडियोस तो जान ही रहे हो प्राइवेट वीडियो से अपने, तो ये कुछ मतलब एज ए डेमो लेक्चर कि क्या पढ़ाते हैं हम क्या नहीं पढ़ाते, आप स्टूडेंट के लिए देखने के लिए इसको मैं पब्लिक डाल देता हूँ जो सभी के लिए रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSC JEE, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353। बहुत बड़ा कंपनी या फर्म नहीं है हमारा, बहुत एडवर्टाइजिंग मार्केट नहीं है हमारा, लेकिन हाँ आप आएंगे या पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। कोर्स फी एकदम नॉमिनल है, टेक्निकल RS 3500, 3500 कोई भी एग्ज़ाम, कंप्लीट फुल सिविल इंजीनियरिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 3 साल तक की, आपको उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से 6-7 महीने में पूरा का पूरा सिविल अच्छे से ढंग से पढ़ के नोट्स बना के कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको इसी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करवा दूँगा। अभी हमारा SSC JEE का भी बहुत डेडिकेटली चल रहा है बैच, ठीक है, SSC JEE के लिए, इसके लिए प्रोग्राम मैंने सोचा है कि बहुत डेडिकेशन के साथ, क्योंकि अगला आने वाला पोस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी होगा वो JEE का ही होगा। तो इफ़ यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन SSC JEE, देन कम एंड ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर। आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी मिल जाएगी जिसकी फ़ी अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंबाइंड लेते हो ओवरऑल, आप आएंगे ज्वाइन करेंगे तभी हम लोग आपको कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसे टेक्निकल तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन नॉन टेक में देखो बात यही है, आप आओगे ज्वाइन करोगे, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स होंगे तभी टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि कोई भी आपको समय देगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, है ना। बाकी टेक्निकल तो हम पढ़ा ही रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा है नहीं जो हम टीम बिल्डअप कर सकें, बस यही ऑब्जेक्टिव हमारा है, इसलिए मैं अकेले ही सब कुछ पढ़ाता हूँ धीरे धीरे, और ये पढ़ाते पढ़ाते लगभग 4 साल हो गए, अब जाके कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, टाइम लग गया, बस यही कारण है, बिकॉज आई एम अलोन। और हर एक पेपर को बहुत अच्छे से डिटेल में 6-2 महीने 3 महीने तक रिसर्च करने के बाद फिर मैं वो कंटेंट लेके आता हूँ आप तक, तो बहुत प्यार से डेवलप की गई है चीज़ों को। आप आइए, इसका लाभ उठाइए, इस चीज़ का लाभ उठाइए। आप अपने डिफरेंट, अपने अगल बगल लोकेलिटी में आप डिफरेंट कोचिंग्स जिसके बारे में भी सोच पाते हैं, आपको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वहाँ के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटर वे में ही मिलेगा, और एग्जामिनेशन क्लियर करने के करीब करीब आप पहुँच जाओगे। बस मेहनत जितना हम बताएंगे आपको, जिस जो अप्रोच आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर लिए तो डेफिनेट सिलेक्शन होगा ही होगा। इसमें मुझे मतलब आप मतलब ये है ना कि आपके दिल में हम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को फिर बोलोगे अरे पैसा ले लिया 3500 मेरा बर्बाद हो गया ऐसा वैसा, ये फीलिंग नहीं आएगी। आप 30,000 दे के जो उनको गाली देते हो ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आइए ज्वाइन करिए, पढ़िए। अब ये 3500 रुपया फ़ी इसलिए है क्योंकि आई नो यू ऑल आर स्टूडेंट, ठीक है, एक फेज़ हमारा भी था स्टूडेंट लाइफ, तो आई नो नहीं होता पॉकेट में पैसा, और आज के महंगाई के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। आइए ज्वाइन करिए डियर, बस यही बोलूँगा। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लो, कॉन्सेप्ट डिकोडर का, ठीक है, गुड लक।